न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की एक नज़र हेडलाइन पर। बीजेपी के टिकट पर गौतम गंभीर लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली की इन 3 सीटों में हो सकता है बदलाव। कांग्रेस ने जारी की सेकेंड लिस्ट। यूपी के 16 और महाराष्ट्र की 5 सीटों पर उतरे उम्मीदवार। अब खबरें विस्तार से। बीते लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली भाजपा इस बार बड़े बदलाव कर सकती है। कुछ सांसदों के टिकट कट सकते हैं तो कुछ के चुनाव क्षेत्र बदल सकते हैं। पार्टी के संकेतों को माने तो 2 से 3 नए चेहरों को टिकट देने की तैयारी है। इनमें एक नाम पूर्व टेस्ट क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 16 और महाराष्ट्र की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। पार्टी की ओर से सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, श्री प्रकाश जायसवाल तथा मिलिंद देवड़ा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर, पूर्व सांसद प्रिय दत्त, संजय सिंह और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के नाम शामिल है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें MNS हिंदी ऐप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।